नूह में वापस लौटा है कांग्रेस का डेलीगेशन। देखिए नूह में वापस लौटा है कांग्रेस का डेलीगेशन। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, हम नलहर मंदिर जाना चाहते थे, नलहर मंदिर जाना चाहते थे हम। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हम प्रभात जब जरूरत थी तब पुलिस व्यवस्था नहीं थी। देखिए पुलिस पर भी निशाना साधते नजर आए, हमें रोकने के लिए भारी पुलिस बल अब तैनात कर दिया गया है। हिंसा के दिन होमगार्ड के भरोसे सुरक्षा व्यवस्था छोड़ी गई थी और अब हमें रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात हुआ है। नूह में कांग्रेस का डेलीगेशन वापस लौटा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस बीच क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आज हम नलहड़ मंदिर में जाके जाना चाहते थे, हमने अभी बात करी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम नलहड़ मंदिर जाना चाहते थे, हम नूह शहर के अंदर शहरवासियों से व्यापारियों से मिलना चाहते थे, हम अनाज मंडी में जाकर व्यापारियों से वहां मिलना चाहते थे और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान का माल का को नुकसान हुआ है, कहीं कोई अपना जो है अभी पीछे मकान वगैरह कईयों के तो उस तरह का कहीं भी कोई नुकसान हुआ है, किसी भी समुदाय से कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनका जान माल, तो हम इन सभी लोगों से मिलके जख्मों पर मलम लगाना चाहते थे, अमन चैन की शांति की अपील करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार ऐसी विफल सरकार है, जब जरूरत होती है तो पुलिस व्यवस्था होती नहीं और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी गई, सड़क पूरी रोकी हुई है बस लगा के हरियाणा पुलिस की, ये जो बसें हैं ये बसें उस दिन कहाँ थी, मैं हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस की बसें उस दिन होमगार्डों के सहारे छोड़ दिया गया, कानून व्यवस्था दो होमगार्डों की जान चलेगी और उस बारे में भी मैं मांग करना चाहता हूँ कि उन दो होमगार्डों को भी पुलिस ड्यूटी रूल्स के अनुसार शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मदद दी जाए, उनको शहीद